वेलकम अगेन, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद चंदा पर। आज हम बात करेंगे दोबारा से फाइनल कट ऑफ की, दिल्ली पुलिस AWTPO फाइनल कट ऑफ। यहाँ ना केवल हम कट ऑफ की बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे आंसर की, कब तक आ जाएगी रिजल्ट्स आपका, कब तक आपको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट्स जो HSC आपको देगी, और यहाँ पे सेफ स्कोर आपको कितना आपका जा सकता है। सारी चीजों पर हम बहुत ही जल्दी जल्दी शॉर्ट में बात करेंगे ताकि आपका टाइम हम बचा सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे और होंगे सारे आपको सही दिशा दिखाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए और आगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या आप और कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड बहुत तेज चले, आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सके, किन चीज़ों से आप बचकर रहे। तो यहाँ जो भी आपको मिलेगा ना वो मोटिवेशन के रिगार्डिंग होगा जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा। इससे पहले मेरा इंस्टा अकाउंट है, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो कोई भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पर डायरेक्ट आप मुझे DM भी कर सकते हैं, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ मैं अक्सर लाइव भी आती हूँ तो आप लाइव मेरे साथ ऐड होकर भी आपको अगर कुछ पूछना है, बताना है, बात करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस AWTPO कट ऑफ 2022। अब 2022 की अभी मैंने पहले भी एक वीडियो अभी अपलोड की थी, उसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि SSC और आपका जो एग्जाम गया है कितना टफ गया है, कितना आप लोगों ने उसमें अपना स्कोर आप ला सकते हैं वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो जो भी लोग बता रहे हैं ना वो आइडियाज से ही बता रहे हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि भाई ये तो फाइनल है, बट आइडियाज है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितना हम अपने जो भी रिक्रूटमेंट सेल या ऐसा कोई SSC डिपार्टमेंट है जहाँ से हम ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, या कोई बड़ा ऐसा कोई चैनल है जहाँ से बहुत सारा ऐसा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है कि बच्चों ने कितना स्कोर किया, कितना सही था, कितने अटेम्प्ट किए, ये सब लगा के। इसमें अभी मैंने एक वीडियो डाला, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम इतना हाई स्कोर, भाई जाएगा ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप भले ही आपने सही कितने भी स्टार्टिंग में ध्यान से करे हो लेकिन लास्ट में भी कुछ ना कुछ तो तुक्के मार के आयो ना, और उन तुक्कों में भी कुछ ना कुछ तो सही जाएगा ना। अगर आपने 20 क्वेश्चन में लास्ट में आपने तुक्का मारा तो 5-6 तो फिर भी सही होंगे और ये होता है, नेचुरल है, ठीक है। तो इसीलिए स्कोर तो हाई जाना ही है। हाँ, साइंस थोड़ी टफ गई है आप लोगों की, लेकिन वही बात है, रीजनिंग बड़ा अच्छा आया था इसमें और बाकी और चीज़ें भी ज़्यादा आपको परेशान करने वाली नहीं थी, साइंस आपको थोड़ा सा दिमाग खिलाने वाला था। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं, यहाँ मेल कैटेगरी की करेंगे और यहाँ फीमेल्स की, ठीक है। कम नहीं जाएगी क्योंकि 2013 में जो एग्जाम हुआ था ना उसमें भी स्कोर काफी अच्छा खासा गया था, पता है उसमें जनरल की 85 गई थी और 85 मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। तो मेल में अगर हम जनरल की बात करें तो 71-72 आप कह सकते हैं, 1-2 प्लस माइनस जा सकती है, जैसा कि मैंने बताया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुक्कों में भी बहुत सारे सही हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके तुक्के तो बहुत ज्यादा सही होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें EWS की तो EWS में 63-64 मेल्स की जा सकती है, और OBC की अगर हम बात करें तो OBC में 69-70 या 71 या 68, 1-2 ऊपर नीचे इसमें जा सकता है, और SC की अगर हम बात करें तो 59-60 या 58-61 जा सकती है। इसके अलावा ST की अगर हम बात करें तो इसमें 65-67 के बीच में इसमें जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो डाला उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि ST की इतनी जा सकती है, हाँ भाई इतनी ही जाती है क्योंकि 2013 में तो ST का ही 69 स्कोर गया था, ठीक है। तो किसी की वीडियो के नीचे गलत गलत कमेंट करके कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे जो नॉलेज जहाँ से मिलती है मेरा मुझे खुशी होती है आप सब तक पहुंचाने में, उसको आप लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं उसको, आपको वो काम आए बस मेरा ये मोटिव है, अगर एक को भी काम आए तो, बाकी जज करने वाले बहुत होते हैं उनकी मैं परवाह नहीं करती। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो जनरल की जा सकती है, देखो 56-60 जा सकती है इसमें, वही सेम तुक्को वाली बात है, और बच्चों ने ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई भी करी है, तो 56-58 इसमें जा सकती है। और अगर हम EWS की बात करें तो 48-49 से ये 52 के लगभग जा सकते हैं इसकी, ठीक है। और OBC की अगर हम बात कर लेते हैं 54-56 के बीच में OBC फीमेल कैटेगरी की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं SC की, तो इसमें 46-48 के लगभग, या 47 आप कह सकते हो, 48 मतलब इसमें 45-50 के बीच में रहेगी। ST की अगर हम बात करें तो ST की इसमें 50-52 के बीच में
जा सकती है। ये तो था मेल और फीमेल AWTPO का कट ऑफ जो 2022 फाइनल लगभग जा सकता है, इसमें एक दो ऊपर नीचे हो सकता है बट इतना ज्यादा कम नहीं होगा कि आपने 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही किए और आप कहें कि हमारा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 80 85 90 तक सही किए हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आए थे। और अब हम बात कर लेते हैं आंसर की कब तक आ जाएगी। तो आप जानते हैं कि एग्जाम होने के बाद SSC मुश्किल से 10-12 दिन में आपको दे देती है। तो 27-28 को आपका पेपर हुआ है, तो अभी ये चल रहा है, आज हो गया 2 नवंबर, तो आपको नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगा, 8-9 तारीख 10 तक आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर की आपको 12 से 15 या मुश्किल से 10-12-15 इसके बीच में, डेज के बीच में आ जाता है। ये हो गया आपका आंसर के रिजल्ट। रिजल्ट आपको कब तक मिल सकता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है आगे की तैयारी करे ना करे, किसी और चीज की तैयारी करे ना करे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका इन चीजों से सिमिलर 2-4 अंक का ऊपर नीचे हो रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप की आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार इससे तो मेरा कहीं मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर आप अगले साल आने वाली दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की फरवरी में भर्ती आ रही है, बहुत सारी आ रही है, हाँ बहुत बड़ा बैच आ रहा है, उसकी आप तैयारी करना शुरू कीजिए, या किसी और चीज की आपने जो फॉर्म भरे हुए उनकी तैयारी करना शुरू कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत कीमती होता है। और रिजल्ट आपको मिल जाएगा लगभग 2 महीने मिल जाता है, ये 55 से 65 डेज के बीच में लगभग SSC आपको रिजल्ट दे देगी। तो आपका एग्जाम कब हुआ है, 27-28 अक्टूबर के लगभग, तो नवंबर दिसंबर, दिसंबर लास्ट में बड़े दिनों की जो छुट्टियां होती है ना उसके लगभग दौरान आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेफ स्कोर कितना जा सकता है, सेफ स्कोर अगर हम जनरल OBC को मिक्स करके अगर हम करते हैं तो देखो इसमें 67-71 के लगभग सेफ स्कोर जा सकता है इसमें। और अगर आपके इसके बीच में सही है तो आप बेफिक्र होके आगे की तैयारी शुरू कीजिए। और इसके अलावा आपको किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको ये हेल्पफुल अगर लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा देखो लाइफ में ना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, अपना दिमाग सेट रखना, जिंदगी लाइफ है चलती रहेगी जो भी है जर्नी है, लेकिन अपने आप को इस चीज़ के लायक बना के रखो कि औरों की छोड़ो कभी अपनी नज़रों में ना गिरो, क्योंकि दुनिया का क्या है वो तो पैसे और वक्त के साथ बदलती रहती है ना। तो आप अपनी लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेटेड मत होना कि कोई मुझे ताना दे रहा है, कोई मुझे ये कह रहा है, कोई मुझे ये कह रहा है, यार मैं तो पास नहीं हुआ, मेरे साथ क्या होगा, मेरे को लोग मजाक बनाएंगे, नहीं इसकी परवाह नहीं करनी। क्योंकि कई बार आगे बहुत आगे बढ़ने के लिए एक बहुत लंबी रेस के लिए 2 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। और इससे भी अगर आपका इसमें नहीं भी होता है सिलेक्ट तो आपने एक नई चीज़ सीखी है। आप याद रखना यहाँ इस चैनल पर आपको कभी हारने नहीं दिया जाएगा, आपको अंदर से कभी मरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से जिंदा है ना तो आप कभी भी इतिहास रच सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरी दिल्ली पुलिस की लाइफ जर्नी, कैसे मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, कैसे प्रिपरेशन की, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरा आने वाला है। तो आप यही बने रहना, मैं आपको बहुत जल्दी वो वीडियो देती हूँ, उससे देखना सीखना, सीखना तो क्या है मेरे अंदर क्या है ऐसा सिखाने लायक, बट फिर भी मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ आप सबके साथ। बाकी आप मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ओके बाय।